यूपी के हाथरस में हुई घटना को लेकर देश की जनता में आक्रोश है और देश में जगह जगह मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला, जहां शिवसेना की ओर से इस दलित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया और योगी सरकार पर सवाल उठाए गए। इस संबंधी जब प्रदर्शनकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि यूपी के हाथरस में जो घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा करते हुए ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बहुत ही माड़ी गल है, ये दुखनी घटा भी एड़ी लड़की नाल रेप किया गया और गैंग रेप होया है। ये एक वाल्मीकि समुदाय की लड़की है, गरीब परिवार की लड़की है और ये नाल रेप करन तो बाद एदी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है और एदी कुछ दिन अस्पताल दे विच जंग लड़न तो बाद अपनी एदी मौत हो गई है। साड़ी सरकार अगे कोई मंग है भी जिहड़े इहदे दोषी ने उन्होंने तुरंत फांसी सजा दी जाए, इन्हां नाल भी उस तरह ही किया जाए जिस तरह लड़की नाल होया। इन्हां नू पहले इन्हां दी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, फिर इन्हां नू शरेआम उस पिंड दे उस शहर के चौंक दे विच लिया के इन्हां नू शरेआम फांसी दी जाए, जिहड़ा कि दूसरा बंदा द्वारा ये घिनौनी हरकत करन तो बाज आए और इहो जिहे कम करन तो पहले अगला हज़ार वारी सोचेगा भी मेरे नाल भी आ कुछ होना। इस करके साडी सरकार अगे मंग है भी इन्हां नू दोषियां नू तुरंत फांसी दी जाए। और दूसरा जिहड़ा यूपी पुलिस ने काम किया, बहुत ही माड़ी गल है कि रात दे 2:30 बजे एक लड़की का संस्कार करना, एक की पॉइंट पाना चाहते ना ये मोदी जिहड़े है योगी सरकार है दसे। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।